सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को और रेगुलर अपडेट के लिए आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कंसेप्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2017 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका क्वेश्चन पेपर, जो कि 16 अगस्त का रहेगा। इस वीडियो में आपको सारा शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जो आपका जनरल अवेयरनेस है, जितना भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो आंसर होगा कोई भी लिमिट इसका नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच इज एन एलो मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ऑप्शन वाइज इसमें देखना था आपको, इसका आंसर होगा कॉपर एंड टेन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हु किल लॉर्ड सॉन्डर। लॉर्ड सॉन्डर को कौन मारे थे? तो आंसर होगा भगत सिंह। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सार्क समिट हेल्ड 2016 वाज पोस्टपोन्डेड, वेयर वाज इट टू बी हेल्ड। कहाँ होने वाला था? ऐसे होने वाला थी ये पाकिस्तान में, जो कि पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस काउज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी किसके कमी से होता है? तो आंसर होगा विटामिन ए के कमी से। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल्स इज रिटन बाय, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल्स कौन सा राइटर द्वारा लिखा गया है ये बुक? तो आंसर होगा राम कमल मुखर्जी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डस आई मीन इन MICR। इसको आपको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एक बार आई पूछ चुका है तो हो सकता है आने वाले में आपका कुछ और भी पूछ दे। तो आप पूरा याद कर लीजिए इसको, जिसका फुल फॉर्म होगा मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच हॉकी प्लेयर वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड दिस ईयर। दिस ईयर का बात करें, मतलब 2017 का बात किया जा रहा है कि 2017 में पद्मश्री अवार्ड कौन सा हॉकी प्लेयर को दिया गया था? तो आंसर होगा PR सरजीस। और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, उसे भी आप याद कर लीजिए। मैंने यहाँ पर नोट देकर सारा बता दिया हूँ। तो नेक्स्ट देखते हम लोग। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू वॉज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जुडिशियल रिव्यू कौन सा कंट्री से लिया गया है? तो आंसर होगा USA। तो नेक्स्ट देखते हम लोग। नेक्स्ट है क्यूनबेरी रूल वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। क्यूनबेरी रूल कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो आंसर होगा बॉक्सिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो आंसर होगा लीवर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दुलारी कन्या स्कीम्स वॉज स्टार्टेड बाय विच स्टेट। कौन सा स्टेट द्वारा दुलारी कन्या स्कीम्स चालू किया गया था? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन द विच प्रिंसिपल। हाइड्रोलिक लिफ्ट कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आंसर होगा पास्कल प्रिंसिपल पे। तो नेक्स्ट देखते हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ए लीडर ऑफ विच मूवमेंट। तो आंसर होगा बदोली सत्याग्रह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज गिवन बाय। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आंसर होगा क्ले CDC 6600, जिसको बनाए थे सैमोर क्ले ने। ये अपने नाम ही पर ये कंप्यूटर का नाम रख दिए थे। तो नेक्स्ट देखते हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द आर्टिकल विच इज हर्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल आपका हर्ट और सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो आंसर है आर्टिकल 32। तो नेक्स्ट देखते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइज बाय विच स्टेट इन 2017। इंटरनेशनल योगा जो ऑर्गेनाइज किया गया था कौन सा स्टेट द्वारा? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो नेक्स्ट देखते हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज SI यूनिट ऑफ पावर। पावर का SI यूनिट क्या होता है? तो आंसर होगा वाट। तो नेक्स्ट देखते हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ क्यूक्लाइम। तो आंसर होगा CaO। तो नेक्स्ट देखते हम लोग। नेक्स्ट है हु डेवलप पोलियो वैक्सीन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है क्वेश्चन आपका, कोई शिफ्ट ने पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा जॉन सेल्क। तो नेक्स्ट देखते हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरेना विलियम डिफीटेड हर सिस्टर टू विन विच रिकॉर्ड। तो आंसर होगा रिकॉर्ड ऑफ 23rd स्लम टाइटल। तो नेक्स्ट देखते हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था इसमें आपको, जिसमें बताना था आपका कि कौन सा ईयर में हुआ था अलग अलग, जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था।
तो मैं यहाँ पे आंसर दिखा दिया हूँ आपको। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है 18 जून 1576 को हुआ था। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी का बात करें तो 23 जून 1757 में हुआ था। उसके बाद पानीपत का बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज ब्रिक्स समिट 2017 हेल्ड। ब्रिक्स समिट जो हुआ था 2017 का, कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा चाइना में। चाइना में कहाँ? तो जीमैन में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पूछ दिया था क्वेश्चन ट्रेड मोनोपोली से। ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में भी लगता पूछ दिया था। तो इसका बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ये मार्केट कैसा मार्केट रहता है जिसमें आपका कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 इज गिवन टू। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2017 का किन्हें दिया गया है? तो आंसर होगा शत्रुघ्न सिन्हा को। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द विंड फॉल। द विंड फॉल नाम का बुक कौन लिखे हैं, उनका ऑथर कौन है? तो आंसर होगा दीक्षा बासु। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर विच एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस मोनोपोली ऑफ ट्रेडिंग। तो आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, स्पेशल मेजोरिटी यूज इन विच अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट द्वारा स्पेशल मेजोरिटी यूज़ किया जाता है? तो आंसर होगा आर्टिकल 368। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन इन 2017 जनवरी में। जनवरी में वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन है वो कहाँ लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा चाइना में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट। इसमें ह्यूमन ब्रेन आपका कितना भाग में डिवाइड होता है? तो आंसर होगा तीन मेन भाग में डिवाइड किया जाता है। जो आपका पहला भाग है वो है फॉर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद हिंड ब्रेन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट बैन सती प्रथा इन इंडिया। इंडिया में सती प्रथा कौन खत्म किए थे? तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंट्रिक। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनसुटेबल बॉय। अनसुटेबल बॉय नाम का एक बुक कौन लिखे हैं? तो आंसर होगा करण जौहर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट से पूछ दिया था। ये लगभग हर एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसे पक्का याद कर लीजिए आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है नेशनल इमरजेंसी अंडर। नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? तो आंसर होगा आर्टिकल 352। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हु इन्वेंट द रडार। रडार को कौन इन्वेंट किए हैं? तो आंसर होगा हेनरिच हेंज। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन इज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रॉन किनके द्वारा इन्वेंट किया गया है? तो आंसर होगा जे जे थॉम्सन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच इज़ द आर्टिकल नंबर फॉर फाइनेंस इमरजेंसी। फाइनेंस इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आंसर होगा आर्टिकल 360। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इन उड़े देश के नागरिक स्कीम्स विच इज़ द क्लास टू एंड क्लास थ्री फेयर्स। इसमें आपका बताना था कि जो एक नया लॉन्च किया गया है पीएम द्वारा, लोएस्ट कॉस्ट पे आप फ्लाइट पे जा सकते हैं, सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक था? तो दिल्ली से शिमला तक फ्लाइट दिया था, जिसका प्राइस आपका 2500 रुपया रखा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट एग्रीमेंट। तो पूना पैक्ट एग्रीमेंट से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है। इसमें आपका पूछ दिया था कि के बीच एग्रीमेंट हुआ था ये। तो आंसर होगा महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच। नेक्स्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिए थे, यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड था, कुछ कुछ आपका क्वेश्चन ऑप्शन वाइज इसमें टिक करना था। अदर अदर क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। केमिस्ट्री से पूछ दिया था, पद्मश्री अवार्ड बहुत ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन इससे भी काफ़ी एग्जाम में आपका पूछे जा रहे हैं। उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद टैक्स सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ द इंडिफरेंस क्लब्ड होता है, क्या होता है, सारा चीज़ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।